हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं टेक राज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एनिमेशन बनाने वाले हैं नेम का। तो आइए देखते हैं कैसे ये नेम एनिमेशन बनता है। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है, उसके बाद बैकग्राउंड में क्लिक करना है और वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट बैकग्राउंड लेने के बाद जो है इसका थोड़ा लेंथ आप बढ़ा दीजिएगा। लेंथ बढ़ाने के बाद जो है आप यहाँ पर फिर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करने के बाद आप लेयर पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, और टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं कि इसको हिंदी फॉन्ट में कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें हम लिख देते हैं जय माता दी, माता दी, माता दादा माता दी, जय माता दी यहाँ पर हम लिख लिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद जो है इसका थोड़ा कलर जो है चेंज कर देंगे। इसका कलर जो है हम ब्लैक रख देंगे, और यहाँ से आप ब्लैक कलर चूज कर लीजिए। और चूज करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसको रख देंगे, सेम टू सेम कर देंगे सेकेंड लेयर को भी। सेकेंड लेयर को सेम टू सेम करने के बाद जो है अब आप इसमें जो है एनिमेशन दे सकते हैं। आप इसमें इन एनिमेशन, ओवरले एनिमेशन जो दे सकते हैं। तो इन एनिमेशन में हम इसमें जाएंगे, और इसमें कन्वर्जन का जो आता है, ये कन्वर्जन जो है ये वाला इफेक्ट इसमें डाल देंगे। कन्वर्जन इफेक्ट डालने के बाद जो है इसमें फिर आउट एनिमेशन में जो है इसका क्या नाम लिखा रहता है, डिकर्जन डाइवर्जन ऐसा कुछ लिखा रहता है, शायद डाइवर्जन ही रहता है, नहीं ये क्लॉक वाइज ठीक नहीं रहेगा, हाँ डाइवर्जन ये ठीक रहेगा। तो डाइवर्जन को लगा देते हैं, और लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का लग रहा है। तो अब इसमें जो है कलर एनिमेशन देने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ा बड़ा इसको काट के उसके बाद इसमें जो है अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करने के बाद देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब ये ठीक है, छोटा सा ही ठीक रहेगा, ज़्यादा बड़ा करने में भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अब यहाँ इफेक्ट पे जाइए, और हैंड राइटिंग में जाके यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे चूज कीजिए, और यहाँ से हम ग्रीन कलर पहले ले लेते हैं। और ग्रीन कलर को लेके इस सबसे बड़ा वाला जो है आपको बॉल पेन रखना है और ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ साइड में रख के इसको थोड़ा मोटा करना है कि ताकि गहरा दिखाई पड़े। उसके बाद इसको यहाँ से फिर रेड कलर ले लेंगे, रेड कलर लेके फिर से उसी के जस्ट साइड में और दोबारा एक बार और कर देते हैं ताकि ये बड़ा थोड़ा मोटा लाइन हो जाए। मोटा लाइन देने के बाद जो अब इसको ओके कर देते हैं, और येलो कलर भी एक डाल देते हैं। तीन कलर इसमें हम डाल रहे हैं, और तीनों कलर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ही देखने में अभी अच्छा लग रहा है। बस अभी यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद यहाँ पे जो की का चिन्ह दिया हुआ है, आप की वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसको स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी ब्लेंडिंग जो है नॉर्मल रखना है। पहले इसको की देना है, यहाँ पे पहले की वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लिक यहाँ पे करके उसके बाद सबसे लास्ट में इसको ले जाना है यहाँ पे, जहाँ पे कि मेरा ख़त्म होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ये लास्ट हो रहा है लिखा हुआ, तो इसको वहाँ से इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर पे ले जाना है, और यहाँ ले जाके इसको छोड़ देना है। अब इसको प्ले करके देखिए कि ये पूरा कवर कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये पूरा कवर कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अब यहाँ ब्लेंडिंग पे जाएंगे और स्क्रीन पे इसको कर देंगे। अब देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है, देखिए लग रहा है ना मस्त देखने में। तो इस तरीका से आप जो है एनिमेशन इस तरह का बना सकते हैं। और बाकी इसमें इफेक्ट वगैरह ये जैसे डालना है कि आउट एनिमेशन, ओवरले एनिमेशन, हाँ उसके बाद ये सब तो आप अपने से भी डाल सकते हैं। और ये जो है ग्लो ये सब कर सकते हैं, कर दीजिएगा, ये कर सकते हैं नहीं कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सारा इसका ऑप्शन है ग्लो आउटलाइन ये सारा ओके कर दिया। अब इसको प्ले करते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इस तरह से ये बनके मेरा तैयार हो गया। अब आप चाहें तो ये बना हुआ है तो इसका हिंदी में तो अगर फॉन्ट चेंज करेंगे तो किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, अब जैसे हम इंग्लिश में इसको यहाँ पर टाइप कुछ कर देते हैं, जैसे यहाँ पर टाइप हम करते हैं TECH, हाँ वेलकम पहले लिख देते हैं टेक राज ना, TECH टेक RAJ टेक राज लिख दिए, और यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। यूट्यूब चैनल टेक राज यूट्यूब यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये एकदम सेम टू सेम है। अगर वर्ड सेम टू सेम रहा, बराबर रहा, तो
एक ही तरह देखने मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।